ए व्हाट्स अप बॉयज एंड गर्ल्स, माय नेम इज उमंग वागेला एंड आप लोगों को पता ही होगा कि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छी स्टोरीज की वजह से ही न्यू इंटरेक्शन और न्यू फॉलोअर्स बढ़ते हैं टुवर्ड योर न्यू पोस्ट। और अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि मेरी स्टोरी कैसी होती है। मैं बहुत सारा टाइम स्पेंड करता हूँ परफेक्ट स्टोरी बनाने के लिए और मैं ट्यूटोरियल बहुत पहले बनाने वाला था बट मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं बनाऊँ कैसा। मैंने पिक्सआर्ट के थ्रू बनाने का सोचा था बट पिक्सआर्ट थ्रू बहुत लेंदी हो जाता था। बट प्ले स्टोर में मुझे एक ऐप मिला अनफोल्ड, लिटरली अमेजिंग ऐप है इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए। मैंने ये ऐप को अराउंड एक वीक तक यूज़ किया है, उसके बाद ही मैं डिसाइड किया कि मैं वीडियो बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो एप्लीकेशन बेस्ट है, अनफोल्ड का एप्लीकेशन मेरे लिए तो बेस्ट है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स अवेलेबल है, बस टेम्पलेट को सिलेक्ट करो, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करो, टेक्स्ट ऐड करो, इमेज ऐड करो एंड यू आर गुड टू गो। इन ही एप्लीकेशन में बेस्ट टाइम सेविंग फीचर है जो मैं स्टोरी बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा और उसके बाद आपको बता दूंगा कि वो टाइम सेविंग फीचर कौन सा है। तो मैं आज कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, अब सीधा ऐप में आते हैं। एंड हाँ, इट्स अवेलेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइस। एंड ये रहा उसका इंटरफेस, मैंने दो ऑलरेडी बनाए हैं। तो न्यू बनाने के लिए मैं यहाँ पे प्लस वाला जो आइकन है उस पर क्लिक करूंगा, फिर स्टोरीज को कोई भी एक नेम दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे दूंगा बिफोर आफ्टर, फिर क्रिएट पर क्लिक करिए। एंड यहाँ पे देख सकते हो आप कितने सारे टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल है, बस आपको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना होगा एप्लीकेशन के ऊपर और हर एक टेम्पलेट को यूज़ करके देखना होगा कि आपको कौन से टेम्पलेट अच्छी है और आपके इंस्टाग्राम पर कौन से टेम्पलेट सूट कर रही है आपके कॉन्टेंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे ये टेम्पलेट सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर फोटो ऐड करनी होगी तो उस पर क्लिक करके मैं मेरा कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। चलो मैं मेरा लेटेस्ट इंस्टाग्राम का फोटो ही ले लेता हूँ, मोस्टली सेन वाला लव लव। हा, फोटो को प्रॉपरली एडजस्ट कर लो थोड़ा जूम इन जूम आउट करके। उसके बाद स्टोरी टाइटल, आपको जो भी टाइटल डालना हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पोस्टर डिज़ाइन या फिर कुछ भी। उसके बाद नीचे आप चाहे तो ब्रीफ में भी लिख सकते हो, बट अभी मुझे पता नहीं मैं क्या लिखूँ क्या नहीं, आपको सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ तो यही मेरा ब्रीफ समझ लीजिए। और इसके बाद भी आप इसको भी एडिट कर सकते हो, बस उस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पर आपको दिख जाएगा एडिट टेक्स्ट, तो फिर आप टेक्स्ट के साइज़ को भी बढ़ा सकते हो, फिर फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिसेंट सा फॉन्ट रखूँगा, ये अच्छा लग रहा है ज़रा। अगेन आप ब्रीफ को भी ऐसे ही चेंज कर सकते हो, फॉन्ट के साइज़ को भी बढ़ा सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो ए और बी लिखा है उसको, वो है डिस्टेंस, मतलब आपके लेटर के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बड़ा कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये एक स्टोरी मेरी कंप्लीट हो गई है, तो मैं आपको और एक स्टोरी बना के दिखाऊंगा। तो मैं अगेन कोई भी एक सिंपल सा टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलो मैं बिफोर एंड आफ्टर का टाइटल जो डाला है उसका एक टेम्पलेट सिंपल सा बना के दिखाता हूँ आपको। चलो ये टेम्पलेट है, यहाँ पे दो फोटो है, फर्स्ट फोटो में ऊपर डाल दूंगा एंड सेकेंड फोटो में नीचे डाल दूंगा। तो आपके फ़ोटो को प्रॉपरली एडजस्ट करना मत भूलिएगा क्योंकि ये डायरेक्टली पेस्ट करता है, एडजस्ट करना आपका काम है। देखा तो ऊपर वाली हो गई है बिफोर एंड नीचे वाली हो गई है आफ्टर। मैं और एक स्टोरी बना के दिखाऊंगा और ये स्टोरी आप फोटोशॉप में ही बना सकते हो, बट शायद आप इतना प्रॉपरली ना बना सकते हो। अगर आप फोटोशॉप आपको बहुत ही अच्छे से आता है तो आपके लिए चिंदी है, खाने का खेल है फिर तो। और उसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा टोटल 5 फ़ोटोज़ और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ऐसा टाइप का ही बनाऊँगा। जैसे कि मैंने ये बना दिया तो सबसे ऊपर मेरा फ़ोटो आएगा और नीचे जो है चार बॉक्स उसके अंदर मेरे वेक्टर्स आएंगे जो मैंने काम किया है वो। तो मैं मेरा फ़ोटो सबसे ऊपर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी, चलो मैं मेरा अभी का करंट फ़ोटो ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फ़ोटो ऐड हो गया है और अगेन इसको थोड़ा जूम इन जूम आउट करके प्रॉपरली एडजस्ट करना होगा। ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और अभी नीचे जो बॉक्स है उसमें मैं एक 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 करके मेरे जो अच्छे अच्छे वेक्टर्स वगैरह है वो मैं ऐड कर दूंगा। अब इस टेम्पलेट में आप कोई टेक्स्ट ऐड नहीं कर पाओगे, बट आप टेक्स्ट कैसे ऐड करने का वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप सेम थीम वाले फ़ोटोज़ भी यूज़ कर सकते हो तो काफ़ी अच्छा लगेगा नीचे, मतलब कि यहाँ पे टैब्स पे। और आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है कि नहीं, बिकॉज बी यूनिक ने आपका भाई का फ़ोटो लाइक किया है ब्रो, नहीं देखा है तो जाओ जाके देख लो। तो ये प्रॉपरली मैंने सब के सब डाल दिए हैं और मैं बता रहा था कि इसमें एक टाइम सेविंग फीचर है, वो भी बता देता हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना है। अब ये स्टोरी क्रिएट करने के बाद आप इस फोटो को सेव करोगे, फिर इंस्टाग्राम का ऐप ओपन करोगे, फिर उसके अंदर स्टोरीज में जाओगे, फिर आपका फ़ोटो ऐड करोगे,
तो टाइम सेविंग फीचर ये है कि इसके अंदर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे जा सकते हो, आपको ये फोटो सेव करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आप इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डायरेक्टली जाओगे तो ऑटोमेटिकली ये फोटो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर डाउनलोड का जो बटन है यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा शेयर पेज टू इंस्टाग्राम, तो सीधा सेव भी हो जाएगा और डायरेक्टली इंस्टाग्राम का स्टोरी का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो अब इसमें आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आप इसमें नॉर्मली मैन्युअली कर सकते हो जैसे आपकी क्रिएटिविटी है। जैसे कि मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख दूंगा माय वर्क, फिर इसको थोड़ा एनहांस कर दूंगा, मॉडिफाई कर दूंगा और प्रॉपरली बीच में सबसे प्लेस कर दूंगा। और अगर आपने ऐसी स्टोरी बना के पोस्ट की ना तो किसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने बनाई कैसे है। आपकी स्टोरी हो गई है माय वर्क, फिर लोग बोलेंगे कि ग्रेट वर्क। अब मैं आपको दूसरी स्टोरी भी डाल के दिखा देता हूँ। बस अभी यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर लिखना हो तो लिख सकते हो, यहाँ पे ऑलरेडी बिफोर एंड आफ्टर का स्टिकर्स है, तो जो चीज़ अवेलेबल है हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाए। तो ये रहा बिफोर का स्टिकर, यहाँ पे क्रॉस डाल लूँगा, स्ट्रेट नहीं डालना पड़ेगा, स्ट्रेट नहीं डालना क्योंकि यहाँ पे फोटो ऐसे है। ये बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, समझने वाले समझ जाएंगे, वाला हो गया ना। अब ये जो लास्ट वाली स्टोरी है जो सबसे पहले बनाई थी ये भी डाल दूंगा, ये एकदम प्रोफेशनल लेवल जैसी लग रही है ये स्टोरी तो एकदम। आप डालोगे ना लोग बोलेगा अरे वाह कितना मस्त बनाया है, कैसे बनाया करके। तो बस आपको इसमें बस कुछ नहीं करना है, आपको इंस्टाग्राम के स्टोरीज में आना है और जो इंस्टाग्राम में जो अवेलेबल है आपको, जैसे कि ये सब टूल्स है, जैसे कि ये लाइक बटन है, फिर कमेंट का बटन है, फिर स्टिकर्स वगैरह है, बस आपको यूज़ करके थोड़ा बहुत एनहांस कर देना है अपनी स्टोरी को। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना एंड सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। आप बता सकते हो मुझे कमेंट में कि आपको कैसे लगी वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।